गुलाबू जी के साथ गई होंगी। हाँ नहीं, गुलाबू तो कोमल के साथ बाहर गई है, उसके साथ नहीं थी। तो फिर कहाँ चले गए? हम अंदर देखते हैं। ए, रुक, रुक, रुक। भैया रुको, कहाँ जा रहा है? अरे पिचकारियां तो लेकर जा, अंदर जाके खुद ही खेलेगा। कहाँ पिचकारी लेकर जा, हमका नहीं यार, हम भी तो होली खेलेंगे। मैं कोमल को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। बस भगवान मेरे घर वालों को उस पिचकारी से दूर रखिएगा। आज हमारा बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है। कौन सा सपना? क्या बात कर रहा है? बस देखती जाओ तुम, सब समझ में आ जाएगा। दादी आपको तो छोड़ नहीं रहा है मम्मा। ये बात हो गया, दुष्यंत का पूरा खानदान खत्म। ये सब तूने किया? हट्टी तो लमन जी, किसने किया ऐसा? हमने किया ऐसा। और जो काम अधूरा रह गया है उसे अब पूरा करेंगे। मेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार की जान के साथ खेलने की? ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा हिम्मत हुआ हमारे मुन्ना को मारकर हमें धोखा देने की। भूल गया कहा पहले हम फिर यम। अबे चुप चुप, बहुत हो गया तेरा हम यम। तुझे बताना पड़ेगा कि हमारे परिवार के साथ ऐसा करने का क्या सलूक है। अरे तू बताएगा हमें? भूल जाओ, सोचना भी मत। लगता है तो भूल गया वो आंगन वाली फाइट है? वो फाइट हम तुमसे मुन्ना समझ के किए थे, तभी हमारा वार थोड़ा सा हल्का था। भाई से लड़ने में और दुश्मन से लड़ने में बहुत फर्क होता है। आज हमारा एक ही एक बार तुम्हें छट्टी का दूध याद दिला देगा। यही है वो कोमल जिसने मेरी ऐसी हालत की है, और अभी जो बम का धमाका हुआ ना, इसी ने करवाया। समर ससुरा, और आपने तो देखा ना, इसके हाथ में पिस्तौल भी थी। बहुत खतरनाक इंसान है ये, इसे गिरफ्तार करवा लीजिए। छोड़ेंगे नहीं, इस घर का एक एक आदमी को नहीं छोड़ेंगे। ससुरा कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। पहले खुद को तो बचा ले, बाद में खत्म करना। जेल में चक्की पीसते पीसते उम्र खत्म हो जाएगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। ले चला। अरे छोड़ो, मैं छोड़ेंगे नहीं, ससुरा एक एक को काट देंगे। अरे हम वापिस जरूर आएंगे, जल्दी आएंगे, हम बाहर देख लेंगे एक एक को।